इस तरीके से अब फिर से इसमें मिट्टी डाल देंगे। आज मैं आपको एक ऐसी प्राकृतिक थेरेपी बताने वाली हूँ जो कि इतनी ही ज्यादा जरूरी है जितना ज्यादा जरूरी है आपके लिए खाना। ये चीज 90 से 95% लोगों को नहीं पता और उस वजह से वो कर नहीं पाते या ले नहीं पाते, जिसकी वजह से बीमारियों की वजह से वो बिल्कुल परेशान रहते हैं, उनकी बॉडी खराब हो चुकी है, दुर्बल हो चुके, कमजोर हो चुकी है और वो अपनी आधी जिंदगी ही जी पाते हैं। लेकिन इस थेरेपी को करके आप अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं, अपनी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपना मोटापा कम कर सकते हैं। इस थेरेपी का नाम है अर्थिंग थेरेपी। इसको आप घर पर ही कर सकते हैं, चाहे आप कहीं भी रह रहे हैं, आप शहर में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, आपका मकान पक्का है, आप 10 से 20 मंजिल ऊपर रहते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं घर में ही। वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बिना किसी पैसे के, कोई रुपया आपका लगने वाला नहीं है, बिना किसी मेहनत के आप घर पर इसको बना सकते हैं और एक छोटे से बर्तन में, और पोर्टेबल भी रहेगा, आप एक कमरे से दूसरे कमरे में भी ले जा सकते हैं। कैसे करना है वो इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर, मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अर्थिंग थेरेपी को जीरो वोल्ट थेरेपी भी कहते हैं, यानी कि जो बॉडी की वोल्टेज है उसको जीरो करना। अर्थिंग का मतलब है ग्राउंड से कनेक्ट होना, जमीन से कनेक्ट होना। आपने देखा होगा कि जो हमारे पूर्वज थे, कई सौ साल पहले के लोग, वो हमेशा जमीन से कनेक्ट रहते थे क्योंकि उनके घर पक्के नहीं होते थे, कच्चे होते थे, या वैसे भी हमारी जो सड़कें होती थी वो कच्ची हुआ करती थी। उस टाइम पे आपको पता होगा कि वो लोग जानते नहीं थे कैंसर क्या होता है, डायबिटीज क्या होती है, थायराइड क्या, उनको पता नहीं था। अगर कभी किसी ने बहुत ज्यादा गलत चीजें खा ली, गलत कर लिया, उल्टा सीधा, मतलब उसने रहन सहन कर लिया, उनको बीमारी आती थी, नहीं तो सब लोग स्वस्थ रहते थे। 100 साल 120 साल के होके वो इस दुनिया से जाते थे। लेकिन जब से आधुनिक युग आया है और हम इन चीजों को भूल गए हैं, तब से लोग बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। आप एक छोटे बच्चे को पूछ लो कि कैंसर क्या होता, वो भी बता देगा आपको। इतनी ज्यादा तेजी से बीमारियां फैल रही हैं। लेकिन अगर आप अर्थिंग थेरेपी लेते हो, यानी जमीन से कनेक्ट होते हो, तो उससे ये होता है कि आपकी जो बॉडी की वोल्टेज है वो जीरो हो जाती है और आपकी बॉडी हीलिंग का जो काम है उसको शुरू कर देती है। अब आप कहेंगे बॉडी में वोल्टेज कहाँ से आ गई, है ना। देखिए, बहुत पुराने समय में जो ये रेडिएशन होता है, जैसे अब 4G नेट चल रहा था, अब 5G आ गया है, तो ये जो नेट का वो चक्कर था वो बहुत ही कम था या नहीं था, ठीक है, तो बॉडी के अंदर इतना ज्यादा रेडिएशन नहीं था। अब आपने देखा हर जगह, तो आपको थोड़ी थोड़ी जगह के बीच में आपको बहुत बड़े बड़े टावर मिल जाएंगे, उनका रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है, हर जगह पे नेट है, सबके घर में वाईफाई है, सबके घर में नेट चलता है, तो उसका रेडिएशन इतना ज्यादा होता है जिसके बीच में हमारी बॉडी रहती है। दूसरी चीज, हमारे जो घर पक्के बनने लग गए हैं, हर घर में आपको फर्श मिलेगा, कच्ची जमीन आपको कहीं नहीं मिलेगी। शहरों में तो ये हो गया है कि लोग 10-10, 20-20 मंजिला ऊपर रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, उनका तो जमीन से कोई कनेक्शन है ही नहीं, टूट चुका है। और एक चीज और, हमारे जो जूते चप्पल है वो रबड़ और प्लास्टिक से बन रहे हैं, जिससे जो ग्राउंड के साथ हमारा कनेक्शन है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका। हम 24 घंटे जूते चप्पल पहन के चलते हैं। ग्राउंड से कनेक्शन खत्म होते ही हमारे अंदर रेडिएशन का इफेक्ट बहुत ज्यादा होने लगता है। रेडिएशन के इफेक्ट की वजह से ही हमारे अंदर ये भयंकर बीमारी आ रही है, जानलेवा बीमारी आ रही है, कैंसर जैसी बीमारी, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो थायराइड हो, PCOD हो, PCOS है, जिससे आदमी पूरी जिंदगी ग्रसित रहता है और दवाइयां खाता रहता है। आजकल के लोगों को नींद भी अच्छी तरीके से नहीं आती है, वो सारी चीजें करते हैं लेकिन वो चैन से सो नहीं पाते, इतना ज्यादा दर्द उनकी बॉडी में रहता है, हाय हाय करके वो पूरी रात बिताते हैं। लेकिन अगर आपने ये थेरेपी अपने घर में बना ली, जैसे मैं आज आपको बताने वाली हूँ, और उसको यूज करना शुरू कर दिया, आधी बीमारियां आपकी खत्म होने वाली है। क्योंकि जैसे ही आप धरती से कनेक्ट होते हो तो क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन जाने लगते हैं, जिस मिट्टी से आप बने हैं उसी से अगर कनेक्शन आपका हो जाता है, सारी रेडिएशन, सारी वोल्टेज आपकी बॉडी की जीरो हो जाती है, इसलिए इसको जीरो वोल्ट थेरेपी भी कहते हैं। जैसे ही आपकी बॉडी की वोल्टेज जीरो होती है, आपकी बॉडी के अंदर हीलिंग शुरू हो जाती है। अब आप कहेंगे कि चलो ठीक है, हम तो 10 मिनट पार्क में घूम के आ जाएंगे। कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं वो घूम कर भी आते होंगे, नंगे पैर घूमने चले जाते हैं, जैसे दूबड़ा हरी घास है उसके ऊपर घूम लेते हैं। लेकिन
10 मिनट घूमने से काम नहीं चलेगा। 10 मिनट में आपकी बॉडी पूरे तरीके से अपने आप को हील नहीं कर पाएगी, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, वर्षों बीत जाएंगे आपकी बीमारी को ठीक करने में। लेकिन अगर आप रोज 8 से 9 घंटे आपने आपको हीलिंग टाइम दे देते हो, अर्थ से कनेक्शन अपना बना लेते हो, तो जरूर अपनी बीमारी को आप कुछ ही महीनों में ठीक कर लेंगे। चाहे वो आपका डायबिटीज हो, या आपको पीसीओडी की समस्या हो, थायराइड की समस्या हो, या आपकी बॉडी में पेन रहता है, उनकी हीलिंग भी शुरू हो जाएगी। चाहे कोई भी भयंकर बीमारी, आपको नींद नहीं आती, आपके जोड़ों में दर्द रहता है, सारी चीजें हील होनी उसी दिन से शुरू हो जाएंगी जब आप इससे कनेक्शन शुरू कर दोगे। आप ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि ये आपको किस तरीके से घर पे बनानी है। चाहे आप कोई से भी फ्लैट पे रह रहे हो, अपने घर में ये चीज करके आप अर्थिंग थेरेपी आसानी से ले सकते हो। बहुत सारे लोगों के घर में अर्थिंग नहीं होती, कुछ लोगों के घर में होती है, अर्थिंग होती है, और इस वाला जो ये ऊपर का ये वाला ये अर्थिंग का होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के घरों में ये चीज नहीं होती, अर्थिंग नहीं होती। वो बोलते हैं हमारे घर में अर्थिंग नहीं होती है, तो वो इसका यूज नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने बताया है कि आप किस तरीके से अर्थिंग ले सकते हैं। या तो आप जमीन में 2 फुट नीचे आप एक तांबे का तार गाड़ के और वहां से वायर खींच के ऊपर अपने घर में या फिर नीचे जहां भी आप रहते हैं अपने घर में ले जा सकते हैं और उसको पकड़ के आप बैठ सकते हैं। या ये बड़े वाला होल आपको दिख रहा है, इसमें आप तांबे की तार डाल के और लंबी तार खींच के आप उसको पकड़ के बैठ सकते हो, यानी आपकी स्किन से वो तार टच होना चाहिए, बस आपकी हीलिंग जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, यानी आपका अर्थ से कनेक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के घरों में अर्थिंग नहीं होती है, तो वो कहते हैं हमारे घर में अर्थिंग नहीं, अब हम क्या करें, या हम 10 मंजिल या 20 मंजिल ऊपर रहते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसको बनाना कैसे। सबसे पहले आपको एक पोट लेना है, चाहे वो प्लास्टिक का हो, कुछ भी आपके घर में पड़ा हुआ हो, तो कोई भी छोटा सा पोट आप ले सकते हैं इस तरीके से। और ये ध्यान रखें कि उसमें छोटे छोटे छेद कर ले, 2-3 छोटे छोटे छेद आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, जो तांबे की वायर है उसको कुछ इस तरीके से हाथों से घुमा लेना है, ऐसे अपने हाथों से घुमा लीजिए इस तरीके से, ताकि अच्छे से इसमें खड़ा हो जाए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मिट्टी को डालेंगे। इसको यहाँ पे रखिए, कहीं से भी आप मिट्टी लेके आ सकते हैं और इसमें मिट्टी डाल दीजिए। थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे, ज्यादा नहीं भरना है, बहुत थोड़ी सी। अब क्या करेंगे, इस तांबे की तार को सबसे पहले इस तरीके से रख लेंगे, मिट्टी के ऊपर रख ली। अब थोड़ा सा इसमें सफेद नमक डालेंगे। वैसे देखिए सफेद नमक खाने में यूज नहीं करते, लेकिन अर्थिंग, अच्छी अर्थिंग बनाने के लिए सफेद नमक का यूज किया जाता है। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे सफेद नमक इस तरीके से। अब इसको पकड़ के रखना है। अब फिर से हम इसमें मिट्टी डालेंगे। थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे इसी तरीके से। ये ध्यान रखना है जैसे हम मिट्टी डाल रहे हैं तो मिट्टी को हमें थोड़ा सा गीला रखना, मॉइस्चर होना चाहिए मिट्टी में। अब थोड़ा सा इसमें गीला करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे इस तरीके से। बस थोड़ा डालना है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि पानी से ही ये गीला हो जाए। थोड़ी सी मिट्टी और डाल दीजिए इसके ऊपर इस तरीके से, ऐसे। अब डालने के बाद थोड़ा सा नमक और डालेंगे, एक लेयर नमक की इस तरीके से, अच्छे से नमक डाल दीजिए ऐसे। नमक क्या करता है, मॉइस्चर को मेंटेन करके रखता है इस तरीके से। अब हमने इसके अंदर एक लेयर और नमक की डाल दी है इस तरीके से। अब फिर से इसमें मिट्टी डाल देंगे। थोड़ा सा दबा दीजिए इस तरीके से और थोड़ा सा इसमें डाल दे अभी पानी, और उसके बाद फिर से थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे, थोड़ा सा गीला कर देंगे इस तरीके से। बस थोड़ी सी और मिट्टी डाल दीजिए। ताकि ये जो तार है आपका ये निकलने ना पाए इस तरीके से, इसको आपने अच्छे से करना है। इसमें मिट्टी डालने के बाद
थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। और हमने इसमें, देखिए मैं शुरू से बता देती हूँ क्या क्या किया है, कभी आपके समझ ना आया हो। हमने इसके अंदर पहले मिट्टी डाली थोड़ी, उसके ऊपर नमक की लेयर डाली है, उसके बाद मिट्टी डाली, थोड़ा सा नमी के लिए पानी भी डाल दिया साथ में, और फिर थोड़ी और मिट्टी डालने के बाद एक नमक की लेयर और, यानी 3 मिट्टी की लेयर और 2 नमक की लेयर, और साथ साथ में हमने नमी बनाने के लिए पानी डाला थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। अब 10 मिनट के लिए इसको रख देना है ताकि जो पानी है वो अच्छे से नीचे तक चला जाए, पूरे मिट्टी में नमी बन जाए, मतलब बीच बीच में सूखी ना रहे, पूरा मतलब ये जो हमने बनाया है वो पूरा नमी युक्त हो जाए। अब आपकी अर्थिंग ये तैयार है, और आप चेक कैसे करेंगे कि आपकी अर्थिंग कामयाब है या नहीं है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आपको चेक करना है, चेक करने के लिए कि ये अर्थिंग सही बनी है या नहीं, काम कर रही है नहीं। तो हम क्या करेंगे, 1 0 वाट का बल्ब लेंगे। अब जैसे उसकी 2 वायर है, एक वायर को हमने इस तांबे की तार से कनेक्ट कर दिया है, देखिए इस तरीके से ये तांबे की तार से हमने कनेक्ट कर दिया है। अब दूसरी वायर मेरे हाथ में है जो कि 0 वाट बल्ब की दूसरी ये वायर है, और इसको मैं कनेक्ट करूँगी फेज से, तो ये बल्ब हमारा जलना चाहिए। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है, क्योंकि लाइटिंग है इसलिए आपको दिख नहीं रहा, अभी लाइटिंग बंद करके आपको दिखाते हैं, अंधेरा करके दिखाते हैं, तब आपको सही दिखाई पड़ेगा। तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, एक वायर हमारा जो ये तांबे का तार था उससे कनेक्ट है, ठीक है, और एक हमने फेज में लगा दिया, एक वायर को फेज में लगा दिया, और ये 0 वाट का बल्ब है ये जलने लगा है। तो इसको देखिए निकालते हैं, ये बुझ रहा है, फिर से हम लगाएंगे, ये देखिए। तो यानी 10 मिनट के बाद, हमने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, 10 मिनट के बाद ये जो बल्ब है जलने लगा है। जब आप जैसे हम आपने तैयार करी है तो एकदम से बल्ब नहीं जलेगा, थोड़ी देर के लिए आपको रख देना है, पानी डाल के थोड़ा मिक्स होने के लिए रख देना है, और उसके बाद इस तरीके से अगर आपका ये 0 वाट का बल्ब जल जाता है तो इसका मतलब आपकी जो ये अर्थिंग है वो तैयार हो चुकी है, ये देखिए। तो इसी तरीके से हमने कई सारे पॉट तैयार किए हुए हैं, अर्थिंग बना करके तैयार कर लिया है, जैसे ये है एक, इसके अंदर भी हमने मिट्टी डाली हुई है, अर्थिंग कंपाउंड भी मिलाया ताकि अर्थिंग और ज़्यादा अच्छी हो सके, जो कि हमने मार्केट से मंगाया था, अर्थिंग कंपाउंड उसको बोलते हैं, और इसके अंदर वही नमक है, मिट्टी है, और ये तैयार हो चुकी है। देखिए ये तांबे का वायर है, इसमें दूसरा वायर हम कनेक्ट करके इससे अर्थिंग ले सकते हैं, ये हमने 2 तैयार करी हुई है। और इसी तरीके से ये छोटे छोटे गमले, मतलब हर एक जैसे आपका फैमिली में लोग होते हैं तो हर एक अलग अलग ले सके और उनको परेशानी भी ना हो, अपने बेड के नीचे आप इसको आसानी से रख सकते हैं। एक वायर आप पकड़ के रखिए, आपकी स्किन से टच होना चाहिए। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप पैर से बांध लीजिए, अगर आपके अपर बॉडी में पेन है तो आप अपने हाथ से बांध लीजिए, ठीक है। जैसे ये भी कर सकते हैं कि इस वायर में आप कॉपर की प्लेट अटैच करके आप जैसे अपने पैर में चिपका के और सॉक्स डाल के सो सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, या आप उस प्लेट को अपने जैसे या बाजू जो कपड़े की होती है उसके अंदर इस तरीके से लपेट के सो सकते हैं। इस तरीके से इस अर्थिंग थेरेपी का पूरी रात सोते हुए इससे ट्रीटमेंट ले सकते हैं और अपने आप को हील कर सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं। ऐसे ही हमने इससे बड़ी एक अर्थिंग तैयार की हुई है, जैसे कि हम बेड पे बच्चे सोते हैं, मैं सोती हूँ, तो सभी लोगों के लिए हमें अलग अलग से ना वायर पकड़नी पड़े। एक चादर हमने मंगाई हुई है, आपको दिखा देती हूँ, हमने ये चादर बिछाई हुई है बेड के ऊपर, ये देखिए ये इस चादर में पूरा ये वायर है, और जिसको हमने कनेक्ट किया है इस गमले से, बड़े गमले में हमने अर्थिंग की हुई है ऐसे, और ये देखिए ये तांबे के वायर से ये चादर कनेक्टेड है, ये देखिए इस तरीके से। इस चादर के चारों ओर ये कनेक्ट करने के लिए है, आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो, उस साइड या इस साइड जहां आपको कंफर्टेबल हो, इस तरीके से आप कनेक्ट करके पूरे परिवार के लिए अर्थिंग जो है रात के समय में आप ले सकते हो। और ज़्यादा जानने के लिए कि ये अर्थिंग थेरेपी या 0 वोल्ट थेरेपी क्या है, तो डॉक्टर विश्वरूप जी की वीडियो का लिंक और एक बुक का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो मेरा जो मोटिव था आपको ये बताने के लिए, मैं चाहती हूँ कि बिना आपका ज़्यादा पैसा लगे, रुपए लगे और मेहनत लगे, आप अपनी बीमारियों को और मोटापे को ख़त्म कर सके। अब मोटापे का मैं बताना भूल गई,
हमारे पास हमारे एक मेहमान आए थे जो रात के लिए ही रुके थे, तो हमने उनको रात के लिए अर्थिंग दे दी, तो उन्होंने अपनी स्किन से कनेक्ट किया और वो सो गए। तो जब वो सुबह को वो हमें बताते हैं कि सारी रात मुझे बहुत यूरिन आया, मैं बाथरूम बार बार जाता रहा। तो जब हमने उनका वेट चेक किया, पहले हमने रात को चेक किया था कि उनका वेट कितना है, और सुबह उनका 1.5 किलो जो वेट था वो कम हो चुका था, यानी बॉडी के अंदर उनका पानी भरा हुआ था, उनकी बॉडी बहुत फुली हुई नजर आ रही थी, बहुत वेट बढ़ चुका था। लेकिन रात के अंदर ही इस अर्थिंग थेरेपी ने इतने कमाल दिखाया कि उनका 1.5 किलो वेट कम हो गया था, यानी कि एक्स्ट्रा पानी सारा निकल गया था। तो उनको बहुत फायदा हुआ और बहुत ही रिलैक्स महसूस हुआ। तो आप भी अपने मोटापे कम कर सकते हैं, बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती तो इस थेरेपी को लेने के बाद उनको नींद आनी शुरू हो जाएगी, पेन कम होंगे, इसलिए इस थेरेपी के बहुत ही फायदे हैं, आप सब लोगों को जरूर करना चाहिए। तो इतना ही बताना चाहती थी, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।